हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल बहुत ही फ्रॉड चल रहा है आपके बैंक से रिलेटेड। आपको बिना बताए आपके अकाउंट की जानकारी चुरा ली जाती है और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर दिए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने अकाउंट को, अपने अकाउंट बैलेंस को, ताकि कोई दूसरा आपका बैलेंस पर ट्रांजेक्शन ना कर पाए। आजकल गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि हर किसी को एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड मिलने चाहिए। हर किसी को रुपए कार्ड मिलते हैं, यहाँ तक कि जनधन अकाउंट जो जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है उस पर भी रुपए कार्ड मिलता है। तो ये एटीएम कार्ड का बहुत सारा फ्रॉड है। जनरली कोई आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे। कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ और आपके कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है, तो उसको रीन्यू करवाने के लिए आप कुछ डिटेल हमको दे। और जिनको कुछ पता नहीं होता वो उन्हें डिटेल शेयर कर देते हैं और वो उसके अकाउंट से पैसे को अपने अकाउंट में ले लेता है और उसे मालूम भी नहीं चलता कि उसके अकाउंट से कब पैसे माइनस हुए और उसके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है। एक्चुअली ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ कि उसे कॉल आया और उसको कॉल आया और उसने उससे कुछ डिटेल मांगी गई। उस आगे वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ और आपके कार्ड से रिलेटेड मुझे आपसे बात करनी है, और उससे उसका कार्ड नंबर मांगा गया और उसने उसे दे दिया। फिर उसके अकाउंट में OTP और CVV नंबर मांग कर उसके अकाउंट से कुछ पैसे माइनस करने की कोशिश की, डेबिट करने की। पर उसका हुआ ये कि उसके मेरे दोस्त के अकाउंट में 3,000 रुपये ही थे, बट उसने जब अमाउंट भरा था वो 25,000 का भरा था, तो ट्रांजैक्शन फेल हुआ। तो उसके पास तुरंत मैसेज आया योर ट्रांजैक्शन इज फेल। तो उसको पता चला कि ये फ्रॉड था। तो आप इससे कैसे बचेंगे तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं SBI के बारे में बात करूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। उसके अकाउंट को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे सिक्योर बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जिनको ATM कार्ड के बारे में पता नहीं है, जिनको यूज करने नहीं आता, उनको भी ATM दे दिया है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल इंडिया के अंदर मिलेगा सबको, लेकिन जिनको यूज करने नहीं आता उन्हें भी ATM मिल गया है। तो आप कैसे सिक्योर बना सकते हैं? चलो, पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो ठीक है कि वो पढ़ सकते हैं, वो जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पर जो नहीं जानते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई होती है, जो कि कुछ हैकर्स जो कि उनका काम ये होता है कि लोगों के अकाउंट से पैसे माइनस करना, और लोग भी आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक ATM कार्ड है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो आपको कुछ सिक्योरिटी दी जाती है एक्स्ट्रा, जो कि आप यूज कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको ATM कार्ड से बहुत सारी आप शॉपिंग कर सकते हैं और आप इंडिया में किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं अपने ATM कार्ड से, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कहीं स्वाइप मशीन में आप अपना कार्ड स्वाइप करके यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर ले सकते हैं मॉल में, और कहीं पैसे ऐड कर सकते हैं किसी वॉलेट में। तो अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो वो आपके कार्ड नंबर और CVV नंबर से ही फ्रॉड होता है। तो आप उस ऑप्शन को ही क्यों ना बंद कर दें कि आपके साथ ये फ्रॉड हो ही नहीं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि उस ऑप्शन को आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक SBI का अकाउंट है तो आपको अपने
सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है आपके अकाउंट के साथ, उस मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजना पड़ेगा आपको, और मैसेज बैंक एक्सेप्ट होगा। फिर अगर आपकी डिटेल सही हो, आपका वो नंबर सही होगा, तो आपको तुरंत ही विथिन सेकंड आपके पास एक बैंक की तरफ से मैसेज आएगा कि योर सर्विस इज डीएक्टिवेट, आपकी सर्विस डीएक्टिवेट कर दी गई है, और आप जब चाहें जब एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो मैं आपको अभी अपने मैसेज के सेक्शन में लेके चल रहा हूँ और वहाँ पर बताऊँगा। तो ये देखिए, हम अपने मैसेज के सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना होगा। देखिए सभी कैपिटल लेटर में, यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिखिए SW, और अगर आप उस सर्विस को ऑफ करना चाहते हैं तो OFF, SWOFF, फिर आप स्पेस दे दीजिए, और कैपिटल लेटर में SWOFF हो गया, फिर स्पेस देकर हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में ही ई कॉम, मतलब कि आपके ATM कार्ड से जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसको, उसके अंदर ये ई कॉमर्स के अंदर आता है, ई कॉम लिखेंगे, फिर हम स्पेस देंगे। ये हो गया ई कॉम। फिर आपके जो डेबिट कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट, यानी कि लास्ट 4 डिजिट इसके अंदर एंटर करेंगे, तो ये देखिए हो गया। फिर हम इसको, इस मैसेज को सेंड करेंगे 092, जीरो नाइन डबल टू 39, फिर 5 बार 6, 5 टाइम 6, 09223966666। तो और हम इसको सेंड करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उसके साथ हम इसको सेंड करते हैं। तो ये देखिए मैसेज सेंड हो गया है हमारा, और अभी मैसेज आया है बैंक से, और हमें बैंक से मैसेज भी आ गया है कि आपके ई कॉमर्स फैसिलिटी बंद कर दी गई है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, अब इस कार्ड से हम अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करवाएंगे, मतलब हमारी जानकारी अगर किसी के पास है तो वो इस कार्ड को यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ हम ATM बूथ पर या POS जो होता है मॉल में ट्रांजैक्शन करके, कार्ड स्वाइप करके वहाँ हम अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, थैंक यू।